का टॉपिक है कि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स पर क्रैकिंग कैसे आती है। तो इसके तो बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे बहुत ज्यादा धूप में हमारी अगर व्हीकल्स खड़े हैं तो उसकी वजह से भी क्रैकिंग आ सकती है, मौसम के बदलने की वजह से जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से क्रैकिंग आ सकती है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। सो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है और ये हमारे टायर्स को कैसे खराब करती है, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टायर्स बनते कैसे हैं। सो टायर मेनली तीन तरह के रबर से बनते हैं, उनमें से पहला है नेचुरल रबर जिसको कहा जाता है पॉली आइसोप्रीन, दूसरा होता है SBR यानी कि स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, और तीसरा है ब्यूटाडाइन रबर। सो ये एक्चुअली जो तीनों भी मैंने नाम लिए ये पॉलीमर्स हैं और ये अलग अलग तरह के मोनोमर से बने होते हैं। सो इन सभी मोनोमर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें कॉमन चीज नजर आएगी, इन सब के अंदर दिखाई देते हैं डबल बॉन्ड्स, और इस ओजोनोलाइसिस प्रोसेस में यही डबल बॉन्ड्स के ऊपर हमला किया जाता है। सो हमारे सरफेस के ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में होती है ओजोन, तो इस रिएक्शन के लिए बहुत ही कम ओजोन रिक्वायर्ड होती है। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए थोड़ी सी ओजोन भी अगर रही तो ये रिएक्शन काम करती है, और ये ओजोन इन डबल बॉन्ड्स के ऊपर अटैक करती है, उन बॉन्ड को तोड़ती है और ये मोनोमर्स धीरे धीरे टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे टायर्स के ऊपर क्रैक्स नजर आती है। सो आई होप आपको आज का फैक्ट अच्छा लगा होगा। सो इसी तरह के फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।